वाटर अलार्म और टंकी। जो नॉर्मल, अब इधर देख लो तो बाद में बताऊंगा तुमको, जो नॉर्मल घरों में हम लगाते हैं ना वाटर अलार्म अपनी टंकी के अंदर, वो आप मार्केट में जाओगे तो बाजार में एक छोटा सा डब्बा मिलेगा वाटर अलार्म का, उसमें अमूमन चार तारे होती हैं। ये हमारा वाटर अलार्म है, मार्केट में 350-400 की रेंज, 500 की रेंज में मिल जाएगा। मॉडल चेंज हो सकते हैं, फंक्शन सेम होता है। इसका काम क्या होता है कि जो इसको जितने लेवल पे हम सेट करके रखते हैं उतने लेवल पे जब भी पानी जाएगा तो ये अलार्म देने लगेगा। ये ऑटोमेटिक बंद नहीं करेगा, ये एक अलार्म देगा कि आपकी पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। ये इसीलिए लगाया जाता है, मोटर को बंद और चालू मैन्युअली हम अपने आप से करेंगे, ठीक है ना। ये इसलिए होता है कि जब भी ये लेवल पे आएगा पानी तो ये अलार्म देने लगेगा। जो तुमको फ्लूड वाल के बारे में बता रहा हूं, फ्लूड वाल ऑटोमेटिक बंद और चालू करने के सिस्टम पे लगाया जाता है, यानी मोटर को अपने आप बंद करेगा, अपने आप चालू, जब वाटर लेवल से पानी कम होगा टंकी में तो अपने आप मोटर चालू हो जाएगी, और जैसे ही वाटर लेवल पे पानी आ जाएगा यानी टंकी भर जाएगी तो अपने आप मोटर को बंद कर देगा। वो ऑटोमेटिक फंक्शन है, तो उसमें जब कॉन्ट्रेक्टर वगैरह के कनेक्शन आपको बताए जाएंगे तो वो हम बताएंगे। तो ये नॉर्मल वाटर अलार्म, इसका कनेक्शन कैसे होता है? नॉर्मली कनेक्शन बहुत इजी है इसमें। इसमें देखो दो पॉइंट होंगे न्यूट्रल और फेस के, ठीक है, और दो पॉइंट होंगे प्लस और माइनस के। इनको हम कहां लगाते हैं? तो न्यूट्रल और फेस समझ गए, हमारे पास एक ये सॉकेट है, क्लियर, ये सॉकेट है। सॉकेट में हमने उठा के इसका न्यूट्रल दे दिया, एक का फेस दे दिया, ठीक है ना। सॉकेट में न्यूट्रल और फेस दिया, इसमें सप्लाई आ गई। अब टंकी हमारी छत पे है, अलार्म हमारा घर में है, घर में ही लगाएंगे ना, छत पे तो अलार्म लगाएंगे नहीं। तो यहां से अलार्म हमने घर में लगा दिया, यहां से ये दो तारे जो हैं प्लस माइनस की, या फिर अलार्म लिखा होगा या फिर टंकी वायर लिखी होगी, प्लस माइनस लिखा होगा, अलार्म लिखा होगा या टंकी वायर लिखी होगी। यानी टंकी वायर का मतलब है इस वायर को हम ले जाके टंकी में डाल दें, अलार्म वायर का मतलब है इस वायर को हम ले जाके अलार्म के रूप में प्रयोग करें, या फिर प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों तारे लेके जाएंगे, ये दोनों तारे यहां पे वाटर अलार्म, ठीक है ना, ये दोनों तारे हम ले जाएंगे अपने टंकी तक, ठीक है ना। ये दो तारे हम कहां लेके गए, अपनी टंकी तक। अब यहां पे टंकी तक आ गई हमारी तार, हम क्या करेंगे कि एक लकड़ी, कोई भी ऐसी चीज जो बिजली का कुचालक हो, कुचालक हो, ठीक है ना, जिससे बिजली दौड़े ना, ठीक है ना, तो हम वो चीज ले लेंगे, ठीक है ना। ये पाइप ले लिया, अब इन दोनों तारों को, दो तारे है ना, एक तार को यहां पे इसमें कील घुसाओ या स्क्रू पेच इसमें घुसा दो, यही ले लो, यहां पे एक यहां पे लगा दो, एक टायर को यहां पे लगा दो, मतलब 4 से 6 इंची की दूरी पे लगा दो, ऐसे लगा सकते हैं। बहुत जब हम क्या करेंगे कि एक तार यहां कील गाड़ दो और एक यहां कील गाड़ दो, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे करोगे तो साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो हम चाहे, मतलब यह है कि ये दोनों तारे अगर पानी में एक साथ डूब जाएंगी
तो हमारा अलार्म बंद हो जाएगा। यानी पानी में इसमें एक करंट है, इसमें तारों में करंट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट आपस में शॉर्ट होगा, शॉर्ट कैसे होगा, पानी जब जाएगा, जब एक करंट पानी पे फ्लो करता है तो जैसे पानी के संपर्क में दोनों तारें आएंगी, कमांड देगा अलार्म को, अलार्म बजने लगेगा। तो यहां पे दो कीले गाड़ लो, कीले गाड़ ली और इसको हम पानी में डाल दें, जितने लेवल में हमको पानी टंकी भरने की आवाज आनी चाहिए, मतलब पानी की टंकी है जो हमारी फुल तो भरेगी तो पानी ओवरफ्लो होने लगेगा, तो उससे 6 इंची 7 इंची नीचे इस टाइप से डाल दो, दो कीले गाड़ दो, एक यहां पे एक यहां पे, उन दोनों कीलों में हमारे दोनों तार जोड़ दो, एक ऊपर एक नीचे, कोई किसी में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पानी भर रहा है, मान लो मोटर चल गई, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, अब ये डूबा हुआ है पानी की टंकी में, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, अब यहां पे आएगा, अभी जैसे जैसे पानी भर रहा है, अब यहां से ये कनेक्ट हो गया पानी के साथ, फिर पानी भर रहा, पानी भर रहा, पानी भर रहा, जैसे ही इसके साथ कनेक्ट होगा अलार्म चालू हो जाएगा। अब कम से कम 6-7 इंची टंकी फ्लो भरने से नीचे डालोगे, हमें कुछ टाइम भी तो लगेगा बंद करने में, नहीं ऊपर ही टांग देंगे तो क्या होगा, जब तक जाएंगे बंद करने में तब तक ओवरफ्लो होने लगेगा। तो 2-4 मिनट 5 मिनट बोलना चालू हो जाएगा, 2-4-5 मिनट के बाद हम जाएंगे टंकी भरने, अपना एक इतना तो टाइम लगेगा ही ना, बाहर है आवाज आ रही है दौड़ के, जब भी जाएंगे आराम से टंकी। तो यही इसके कनेक्शन होते हैं, ये नॉर्मल वाटर कनेक्शन नहीं, ये क्योंकि प्लस माइनस में है ना, बहुत कम वोल्टेज है इसमें, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, न्यूट्रल फेस लिखता तो करंट आने लगता, वोल्टेज बहुत कम है इसलिए पानी की टंकी में करंट नहीं आएगा, क्लियर। इसका जो करंट है वो प्लस माइनस के रूप में होता है, मतलब डीसी कम वोल्टेज के रूप में होता है, ये दोनों शॉर्ट होगा। तो अब इसको हमने क्या किया, देखो यहां लेके गए, एक यहां पर डाल दिया और एक यहां पर डाल दिया, जैसे ही पानी भरता भरता इन दोनों को टच करेगा अलार्म देने लगेगा, हम जाएंगे और स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक। नहीं दिक्कत कोई नहीं है, कर लोगे, बहुत इजी है। कोई भी काम करने से पहले उस पर जो लिखा रहता है नेम प्लेट है उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे आप काम आसानी से कर सकते हो, क्लियर। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं।